हाय गाइस, कैसे हैं? मैं हूं रोशन मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिश्रा सर मैथमेटिक्स पर। सिंप्लीफिकेशन के हम बहुत सारे सीरीज देख रहे हैं। इसी कड़ी में 7 अक्टूबर 2013 को SBI क्लर्क में पूछा गया सिंप्लीफिकेशन का एक सेट मैंने लिया है और वो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। बड़ा ही अच्छा सेट था ये, ठीक है? तो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा समझ में भी आएगा और अप्रोच भी समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी आप करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है? चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 415 माइनस 627.10 प्लस 958.55, ठीक है? तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे आपको 415.25 माइनस 627.10 प्लस 958.55। यहाँ आप देखिए 0.25 में से 0.10 माइनस हो जाएगा तो 0.15 बचेगा और 0.15 में जब हम 0.55 को ऐड करेंगे तो ये मेरा आ रहा होगा 70। 25 में से 10 गया 15, 15 प्लस 5 20, अब 20 50 मिलके हो गया 70, ठीक है? तो पॉइंट का कहानी खत्म। अब आ जाते हैं 958 में से 627 को माइनस करते हैं। 900 में से 600 माइनस हो जाएगा 300 और 400, तो मिलकर के हो गया मेरे पास बचा 700, ठीक है? 700 58 में से 27 को माइनस कर लेते हैं तो 31 प्लस 15 दोनों मिलकर के हो जाएगा 746.70। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 746.70। समझ रहे हैं बात? 746.70 इसका आंसर हो जाएगा ई, 746.70, ठीक है? बात आ गया होगा आपको समझ में कि किस तरह से हमने माइनस किया। 25, 25 में से 10 माइनस हुआ बचा 15, 15 प्लस 55 मिलके हुआ 70। 900 में से 600 माइनस किया 300, 400 पहले से ही था 700। 58 में से 27 को माइनस किया 31 प्लस 15 दोनों मिलके हो गए 746। तो आंसर हो गया 746.70, ठीक? चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, 34,928 माइनस करना है 2,591 माइनस करना है 14,986 बराबर वाट, ठीक है? तो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सीधा सीधा भी माइनस कर सकते हैं, दूसरा राउंड फिगर में अब बना करके इसे माइनस कर सकते हैं। अब देखिए ये 34,000 है प्लस में और उसमें से अगर 14,000 को माइनस कर दिया जाए तो बचेगा 20,000 और 20,000 से में भी 2,000 को माइनस कर दिया जाए तो बचेगा 18,000। कितना बचेगा? 18,000। 900 यहाँ पे माइनस में है तो ये 900 इस 900 से कट जाएगा। अब देखिए 591 और 86 माइनस करना है, 28 ही सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है तो 591 और 86 इसको थोड़ा हम इजी बनाते हैं तो यहाँ से अगर हम 9 निकाल के इसको दे दे तो 600 हो जाएगा और जबकि ये कितना बचेगा? 77। अब हम क्या करते हैं, ये जो 18,000 है इसमें से 17,000 छोड़ देते हैं, 1,000 जो है 1,000 से 600 माइनस किए बचा 400 में से 100 निकाले 77 को माइनस कर दिए 23 तो 323 बच गया ना। 1,000 से 600 माइनस किए 400 में से 100 निकाले 300 बचा हुआ था, 77 को माइनस किए 23 तो 323, ठीक है? और 23 के साथ 28 को ऐड करना है, 323 यहाँ पे 28 मेरा बचा हुआ तो 23 प्लस 27 मिलके हो जाता है 50, तो एक एक्स्ट्रा है यानी 17,351 मेरा आंसर होगा, 17,351, ठीक है? दूसरा जो तरीका है उसे भी आप सीख लीजिए, ठीक है? दूसरा जो तरीका है वो भी आप सीख लीजिए। एक तो हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 34,928 माइनस 2,591 माइनस 14,986 राउंड फिगर में चेंज कर देते हैं, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 100 200 400 500 ये माइनस करने में बड़ा आसान होता है, ठीक है? 50 माइनस करने में आसान होता है, लेकिन वही अगर बोल दे 57 तो थोड़ा लगता है कि बड़ा भारी। 600 रुपया माइनस करना आसान है लेकिन 584 माइनस करना टफ है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो 14986 है इसको राउंड फिगर में चेंज करते हैं। हम देखते हैं कि ये नज़दीक किसके है, तो 15000 के नज़दीक है। तो अगर माइनस 14 ये और हो जाए तो टोटल मिलकर के क्या हो जाएगा, 15000। तो माइनस 14 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 14। ठीक, क्योंकि प्लस 14 और माइनस 14 मिलकर के हो गया जीरो। जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी संख्या में जीरो को ऐड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए माइनस अगर 14 हम कर रहे हैं अपने मन से तो यहाँ पे प्लस 14 भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से इसे भी हम राउंड फिगर में चेंज करते हैं। ये नज़दीक है 2600 के, तो माइनस 9 अगर हो जाए तो ये 2600 हो जाए। ठीक है, तो माइनस 9 हुआ तो यहाँ पे प्लस 9 होगा। अब क्या करते हैं, ये है 34000 15000 2000 17000, माइनस हो गया तो बच गया 17000। ठीक है, और 17000 बचा हुआ मेरे पास, 900 में से 600 अगर माइनस हो जाए तो 300। अब देखिए क्या सब बचा हुआ, 17000 बचा हुआ है, 300 बचा हुआ है, 300 बचा हुआ है, 28 14 42 प्लस 9, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 17351। 42 प्लस 9 मिलकर के क्या हो जाएगा, 51। तो 351, 17351 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। बढ़ते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा तीसरे नंबर का, 311 × 17 − 2482 = W। सोचिए, सोचने के क्षमता को डेवलप कीजिए, सीखिए, कंसंट्रेशन लेवल को अच्छा कीजिए। ठीक है, हम बोलते हैं 17 × 300 = 5100। ठीक, 17 × 11, आपको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम बार बार बता चुके हैं। तो ऐसा 7 1 लिखे 7 लिखे और 7 और 1 को ऐड कर दिए 8, तो 187 ये दोनों हो चुका। माइनस क्या करना है, 2482। ठीक है, अब आप सोचिए थोड़ा कि अगर 87 में से 82 को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, 5100 में से 2400 को माइनस कर दिया जाए तो 2700। अरे 5000 अगर रहता 2400 को माइनस करते तो 2600, लेकिन 100 ज़्यादा है तो 2700 प्लस 100, आंसर हुआ 2805। ठीक है, समझ में आ रहा बात, मैंने धीरे धीरे बताया आपको, आप उसको दिमाग में ले आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा चौथे नंबर का, वो है 12.5 × 6.7 × 4.2। अगर हम इसे पार्ट वाइज में तोड़ते हैं, अक्सर हम क्वेश्चन को देखते हैं पार्ट वाइज में तोड़ लेते हैं। आप सोचिए थोड़ा कि इंडिया का मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका ने टारगेट दे दिया 350 का, तो क्या करेगा, 10 ओवर में ही मारना शुरू कर देगा क्या, कि 10 ओवर में एक ही ओवर में हम जिता देंगे मैच, ऐसा संभव तो नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी को बेस्ट फिनिशर क्यों कहा जाता है, वो क्या करता है, टारगेट को पकड़ता है और टारगेट को पार्ट वाइज तोड़ देता है। पार्ट वाइज उसका टारगेट रहता है 6 रन इसमें लेना है, 5 रन उसमें लेना, अच्छा बॉलर है 3 रन भी लिए तो भी कोई बात नहीं है, तो अंतिम में चलता रहता छोटा छोटा पार्ट को तोड़ता रहता और अंतिम में उसे बड़ा ही छोटा टारगेट मिलता, एक ओवर में 12-13 रन मिलता और वो मारता है, फिर जीत जाता मैच। तो इसी तरह से आप अगर पार्ट वाइज भी तोड़ लेते हैं, लेकिन पार्ट वाइज कैसे तोड़ना है, पार्ट वाइज ऐसे तोड़ना है जो कि आपको आपके लिए इजी हो जाए, संख्या को इजी बनाना, हमेशा सजाने में आप टाइम दीजिए, अभी आप सीखने का टाइम, आप सीखिए इस चीज़ को और प्रैक्टिस कीजिए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि 12.5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इवन नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 और 2 का एक पेयर 10 का निर्माण करता है, 25 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 और 2 का 2 पेयर वो 2 जीरो का निर्माण करता है, 125 × 8 ये आपको 3 जीरो का निर्माण करता है, 625 × 16 ये 4 जीरो का निर्माण करता है, इसी तरह से बढ़ता चला जाता। और 10, 100, 1000, 10000 ये ऐसा इजी नंबर है कि कोई भी गुना कर सकता है, बच्चा को भी बोलो कि 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो बोलेगा 170,
बोलेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पांच, तो इधर से हम दो निकालते हैं, यानी हम इसको क्या लिख सकते, देख लीजिए 2.1 इंटू टू, अब इस दो को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 25। 67 को हम चाहेंगे तो 21 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 21 को अगर 6 से, अभी हम पॉइंट को छोड़ देते हैं, ठीक है, पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, बाद में देखा जाएगा, तो पॉइंट को छोड़ देते हैं, 21 को 6.7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा मेरा 1260, और 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 147, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा पहले। अब देखिए 1200 और 100 मिलके 1300, 60 और 40 मिलके 1400, 100 हो गया, 1200 और 100, 1300, 60 प्लस 40, 100 तो 1407, तो ये क्या हो गया 1407, और गुना किससे करना है, 25 से, 25 से, और 25 से मैंने गुना करने के लिए अभी तुरंत आपको ये बात बताया कि 25 गुना 4 बराबर 100 हो सकता है, तो 25 का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 25 का आइडेंटिटी हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई था 4 से, इस 4 को हम हटा देते हैं, 100 बाई 4, और आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, तो हम लिखते हैं 1407 पे 20 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तीय 12 हो गया, फिर 2 बचा 4 पंचे 20, 4 इकाई 4, 4 सते 28, 4 पंचे 20, तो ये आपका आ गया 351, 175। अच्छा, पॉइंट की जब हम बात करें तो आप देख लीजिए, पॉइंट एक एक और दो, दो डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, दो डिजिट पहले आपका ये पॉइंट आ जाएगा। एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका यहाँ पे हम चेंज करने के लिए, देखिए यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, और भी पार्ट वाइज तोड़ सकते हैं हम इसको, इसको 3 × 0.7 बोल सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 6.7, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर के 25 हो ही चुका है। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो 180 प्लस 21 मिलके होगा 201, और 201 को 7 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 200 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 1400, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7, 201 को 7 से मल्टीप्लाई करना 1407, और बस ये बात खत्म हो गया। अभी हमने आपको तुरंत बताया था 1407 पे 20 डिवाइडेड बाई 4, और आंसर मेरा क्या हो जा रहा था, 4 तिया 12, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 4 इकाई 4, 4 सते 28, 4 पंचे 20, और दो डिजिट पहले डेसिमल, ठीक है, और आंसर हो जाएगा 351.75C, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 27% ऑफ 450, 27% ऑफ 450 माइनस वाट परसेंट ऑफ 375 इज इक्वल टू 76.5। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। इस 27% को आप क्या लिख सकते हैं, 30% माइनस 3%, और जब 30% निकाल लेते हैं तो 3% निकालने के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक डिजिट पहले डेसिमल रखना पड़ेगा। तो 10% 450 का होगा 45, 10% 450 का होगा 45, और 45 को डबल करेंगे तो 20% होगा 90, और 30% हो जाएगा 135। तो हम 30% बराबर लिख लेते हैं 135, जबकि 3% बराबर एक डिजिट पहले डेसिमल लिखते हैं 13.5, और इस 76.5 को बराबर के इस साइड लाते हैं तो लिखेंगे 76.5 माइनस में, और इस चीज़ को हम बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो लिखेंगे वाट परसेंट ऑफ 375। अब आप देखिए 135 में से इन सारे को माइनस करना है, तो ये 50 माइनस में है, 50 माइनस में है पॉइंट के बाद, तो 50 100 यानी बन जाएगा एक, ठीक है, एक बन जाएगा अभी 76, 76 में एक को ऐड कर देते तो 77, और 77 और 13 मिलकर के हो जाएगा 90, यानी 135 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 90, तो आप क्या देख रहे हैं 45 आ रहा है, और लिखा हुआ है वाट परसेंट ऑफ 375। बस हम आराम से इसे माइनस डिवाइड कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है, तो वाट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 45/375,
हम चाहेंगे इसमें थोड़ा और भी इम्प्रूव कर सकते हैं तो कर देंगे, या नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे। 5 × 45, 5 × 45 हो गया, 5 × 7 = 35, ठीक है, और 5 × 5 = 25, फिर से काट देते हैं तो 3 / क्या हो गया आपको, ये 20, ओह 25। और वाट परसेंट बराबर है 3/25% है, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 12%। वाट का वैल्यू हो जाएगा 12%, वाट बराबर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी अलग ढंग से कर सकते हैं, देखिए हम इसे और भी अलग ढंग से कैसे कर सकते हैं। 45 375 अपने आप में 100% रिप्रेजेंट करता है, तो 10% रिप्रेजेंट करने के लिए 37.5 चाहिए, और 45 होने के लिए हमें चाहिए 7.5, तो 37.5 में 7.5 जब ऐड करेंगे तो ही 45 होगा। अब 7.5 हम कहाँ से लाएंगे तो देखते हैं, तो 1% इज इक्वल टू 1% रिप्रेजेंट करेगा 3.75, जबकि इसी का ये क्या है, दुगुना है, 7.5, तो 1% का दुगुना होगा 2%, और आंसर मेरा हो जाएगा 10% + 2% 37.5 + 7.5 = 45, तो 10 + 2 मिलकर के 12, ठीक है, समझ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक है, बहुत सारा टेक्निक है समझने के लिए, ठीक है। आप देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वाट परसेंट बराबर 45/375, हम ऊपर नीचे यहाँ पे 5 दिखाई दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो ये 90 हो जाएगा, और 375 को डबल करेंगे तो 750 हो जाएगा, तो 0 से 0 आप देखिए आसानी से काट पा रहे हैं, 3 × 9 और 15 × 25 = 75, और 3/25 और ये परसेंटेज में है, तो 3/25 का फ्रैक्शनल वैल्यू भी, अगर परसेंटेज वैल्यू अगर आपको मालूम है तो भी आंसर आएगा, 1/25 फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा उसका 4%, और उसी का 3 गुना है 3%, यानी हम इसको बोल सकते हैं 12%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें बहुत सारा चीज आप सीखे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर का, 4567.8 + 14 × 9.8 = 5038 - वाट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 0.2, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वाट माइनस में है तो वाट को हम इधर लाएंगे प्लस में, और ये सारा चला जाएगा माइनस में, लेकिन हम रुकते हैं पहले, तो ये हो जाएगा देख लीजिए 4567.80 + अभी 14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, और 14 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है, बराबर क्या हो जा रहा है 5038 - वाट। आप देखिए क्या करना है हमें, पहले तो इसका ही कहानी खत्म कर देते हैं, 80 से 80 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और 67 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4565, तो 5038 - 4565 - 140, ये आपका बना, देख रहे हैं आप, 5038 में से 4565 को माइनस करेंगे और 140 को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बराबर का इस साइड जाएगा तो वाट ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है, वाट प्लस में आ जाएगा, वाट आपको प्लस में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, तो 5500 में से 4500 और 140 माइनस कर दिए, 5500 में से 4500 146 माइनस कर दिए, बचा मेरे पास 400, ठीक है, 400 बचा। ध्यान से देखिए, ये 60, ये 40, तो 60 और 40 भी तो 100 होगा ना, 100, और यहाँ पे 5 भी है माइनस करने के लिए, जबकि 38 मेरे पास प्लस में है, तो 400 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 300, और 38 में से 5 को माइनस कर देंगे, 400 में से 100 को माइनस कर देंगे 300, और 38 में से 5 को माइनस कर देंगे 33, तो आंसर मेरा हो गया 333, आंसर मेरा हो गया 333, समझ रहे हैं बात को, धीरे धीरे मैंने समझाया आपको, बात आ गया होगा आपको समझ में, बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सातवें नंबर के क्वेश्चन पे। छह क्वेश्चन मेरा हो चुका है, सातवां नंबर का क्वेश्चन, 4 × what = 6924/5। चलिए 6924/5। अब हमें क्या करना है, इस वाट को रखना है, इस चार को उठाना है और यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देख लो ये क्या हो जाएगा, 20/2। अब 2 से काटेंगे और 10 को छोड़ देंगे, 10 को छोड़ देंगे इसलिए कि ये पॉइंट के रूप में काम करेगा, 10 किसी के नीचे में 10 रहेगा तो एक डिजिट पहले डेसिमल रखेंगे, 100 रहेगा 2 डिजिट पहले डेसिमल रखेंगे, 1000 रहेगा 1000 रहेगा 3 डिजिट पहले डेसिमल रखेंगे। और जैसे ही हम काटना शुरू करते हैं तो ये देखिए आपका क्या आ जा रहा है, 3, 2, 3, ठीक है। और ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा, कहीं भी 3 है ही नहीं, देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। हम क्वेश्चन नहीं भी बनाएंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 3 तो आ रहा, देख लीजिए ना 3 आ रहा। चलिए 2 × 8, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, तो 3462 आ रहा, और 3462 क्या होगा 10, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 346.2 तो कहीं पे है ही नहीं, आप देख रहे हैं कहीं पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। हम बनाए और ऑप्शन को भी ध्यान में देखते रहना है कि ऑप्शन भी क्या कह रहा है, ऑप्शन भी मेरे नज़र में एक बार में ही आ जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये देखिए 17 × 34.5, 68.9, फिर डिवीजन का साइन है 27.4 और इधर दिया हुआ 17 × what, और बेस सबका समान ही है अगर देखा जाए तो। और इस तरह का क्वेश्चन में आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, बेस समान रहेगा तो पावर ही इसका आंसर होने वाला है, और बेस आपको इधर का समान करना पड़ेगा और यहाँ पे समान दिया हुआ भी है, तो इसका मतलब क्या है कि बेस सब का समान है, बेस को हम छोड़ देते हैं, बेस को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो हम लिख देते हैं अभी फिलहाल। तो 34.5 मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इसलिए यहाँ पे ऐड होगा, 68.9 और डिवीज़न का साइन है इसलिए माइनस होगा, 27.4 = 17 × what, a × n × a/m, अगर इंटू का साइन है, बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और a/n / a/m, तो बेस सेम है, डिवीजन का साइन है तो हम इसे लिखते हैं n − m, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें ये तो बनाना है नहीं, बेस बेस बराबर हो गया तो पावर भी होगा बराबर, इसका मतलब क्या है कि बेस को हम हटा देते हैं और जो भी मेरा आंसर होगा वो ऊपर में ही पावर पे ही होगा, ठीक है। तो अब हम माइनस कर लेते हैं इसको, तो माइनस देखिए हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, 5 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा 1 और 9, यानी 10, यानी 1, बात समझे, 5 में से 4 गया 1, और 1 में अगर 9 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 10, यानी 10 का मतलब 1, ठीक है। अब यहां पर हम माइनस कर लेते हैं तो किधर से भी माइनस करते हैं, 34 में से 27 माइनस करना भारी बात थोड़ी है, 7, और 7 में हम 68 को ऐड करेंगे तो 75, और 1 मेरा पहले से था और आंसर हो गया मेरा 76, ठीक है, डी। चलिए भारी बात नहीं है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23% of 468 = what, हम या तो 20% निकाल ले और 3% निकाल ले, या नहीं तो 25% के भी तो ये नजदीक है, और 25% का यूज हम कब करेंगे, जब ये 4 से कटने वाला हो, 25% यानी 1/4, तो 4 से हम देखते हैं ये कट रहा है या नहीं कट रहा, और ये 4 से कट रहा है, देख लीजिए 68 17 × 68, 4 से कट रहा है, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यूज क्या करना पड़ेगा, 25% − 2%, यही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा, और इस 25% का मतलब होगा 1/4, इस 25% का मतलब क्या होगा 1/4, तो 468 का अगर हम 1/4 निकाले, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, और 2% माइनस करना है, तो 2% पहले तो 1% के बारे में ध्यान देते हैं, तो ये देखिए आपका 1% होगा 4.1% हो जाएगा 4.68, तो 2% क्या हो जाएगा आपका, डबल कर लेते हैं
तो डबल कैसे करते, 400 को डबल करते 800, 60 को डबल करते 120, 920 और 8 दूनी 16, तो 936 यानी 9.36, ठीक है, माइनस कर लेते हैं 9.36। अब 117 में से 9 को माइनस करना, हम 10 को ही माइनस कर देते, 17 में से 10 को माइनस कर दीजिए, तो 10 को माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 7, तो 107 बचेगा, लेकिन हमने एक्स्ट्रा माइनस किया है, कितना एक्स्ट्रा माइनस किया है, 64 माइनस किया है, और आंसर होगा मेरा 107.64, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं कि 36 को देखते ही हम 64 कैसे समझ लेते हैं, 100 में से 36 को माइनस करेंगे, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए, 100 में से हम 36 को माइनस करते हैं तो पहले वाला जो डिजिट है इसका योगफल होगा 10, तो 6 में क्या ऐड करेंगे कि 10 होगा तो 4, और 3 में क्या ऐड करेंगे कि 9 होगा तो 6। अब हम इसी चीज़ को अगर उल्टा पढ़ते हैं, हम बोलते हैं क्या कि 3 में क्या ऐड करेंगे कि 9 होगा तो 6, 6 में क्या ऐड करेंगे कि 10 होगा तो 64, ठीक है। किसी को भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, अगर 100 में से हमें माइनस करना होगा 57 तो हम इसे माइनस करेंगे 5, 4, 9 और 7, 3, 10, तो 57 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 43। 68 को माइनस करना है, 68 को माइनस करना है, 6, 3, 9, 8, 2, 10, आंसर हो जाएगा मेरा 32, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10वें नंबर का, 6 पे पावर है 3, गुना करना है 2 पे पावर 4 से, और माइनस करना है 9 पे पावर 2 को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे माइनस का टर्म है इसलिए हम 6 का क्यूब ही कर लेते हैं, 216 और 2 पर पावर 4 हो जाएगा 16, और माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है। अब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 16 को पहले 200 से मल्टीप्लाई करते हैं 3200, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3200, और 16 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 16 का स्क्वायर यानी 256, और इस 256 में से 81 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करें कि यहाँ पे हम 19 माइनस कर ले तो ये हो जाएगा 100, तो 19 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 19 तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 19 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये हो गया 100, और 200 में से जब हम 100 माइनस करते हैं तो आ गया मेरा 100, और 156 प्लस 19, देखिए क्या हो गया 3200 प्लस 156 प्लस 19। अब 56 में पहले 4 को ऐड करो तो 60, 56 में पहले 4 को ऐड करते हैं तो 60, और बच गया 15, तो 60 और 15 मिल के हो गया 75, तो आंसर मेरा हो जाएगा 3200 175, मेरा आंसर हो जाएगा 3375। समझ रहे हैं बात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिवाइडेड बाय 26 इंटू 17 इज इक्वल टू 7225। अब यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय 26 है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7225 गुना 26 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कट रहा है या नहीं कट रहा है, आपको एकदम काट देना चाहे पॉइंट में ही क्यों नहीं आए, ठीक है। तो हम काटना शुरू करते हैं, 17 चौका 68, 4 बच गया, 17 दूनी 34, 8 बच गया, 17 पचे 85, और क्या आ गया 425 गुना 26। अब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऐड कर दो 104, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 112, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 116, तो 26 गुना 4 ये हो गया आपको 104, और 400 था तो 10400 प्लस, अब 26 को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 26 को 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये भी हो सकता है कि 2600 26 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1/4 कर दे, ठीक, या नहीं तो 25 को अगर 26 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 का स्क्वायर करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए 25 गुना 26 12 गुना 13 15 गुना 16, मतलब सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको लिखना है 25
गुना 25 प्लस 1, 25 का स्क्वायर 600।